आज इंदौर में बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा निकली, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी शामिल हुए। इस यात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। जनरल वीके सिंह ने कहा, जल्दी ही पीओके भारत में शामिल होगा। इंदौर में यात्रा के दौरान में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने आगे कहा, थोड़े समय में पीओके का भारत में विलय होगा। जम्मू कश्मीर में भी कश्मीरी पंडितों की पूर्ण वापसी होगी, बस थोड़े दिन रुकिए। जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी भी शहीदों के लिए एक कैंडल मार्च तक नहीं निकाला, वो क्या हमसे सवाल कर रहे हैं। सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए डीएमके नेता सनातन पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, इंडिया गठबंधन की जितनी बैठक हो रही है वो उतने विचलित हो रहे हैं। सभी पार्टियों के नेता गठबंधन के अंदर छुरा लेकर घूम रहे हैं, कब कौन किसको घोंप दे पता नहीं। जो कल तक एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, आज एक साथ घूम रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी संसद में पैंट और टी शर्ट में आते हैं और विदेशों में कुर्ता पहन लेते हैं, उन पर कैसे विश्वास करें। जनरल वीके सिंह ने सरकार के काम गिनवाते हुए कहा कि सेना की बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग 2014 में पीएम मोदी जी के आने के बाद पूरी हुई। कांग्रेस ने सेना के संसाधन की जरूरत क्यों नहीं पूरी की। वीके सिंह ने चीन की बॉर्डर पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि माकाओ में जिसके भी इन्वेस्टमेंट हैं वो जांच का विषय है। पाकिस्तान की हालत भीख मांगने जैसी हो गई है, उसको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। आज जिस जमीन की बात की जा रही है वो तो बहुत पहले ही चीन के पास जा चुकी है।